नमस्कार, आज हम पादप वर्गीकरण एवं कुलों का वर्णन इसमें देखते हैं। कुल कंपोजिटी यानी कुलों का जो वर्णन है स्टडीज ऑफ फैमिलीज में, फैमिली कंपोजिटी, तो सिस्टमेटिक पोजीशन इसका होता क्या है, वर्गीकृत स्थिति। तो जगत किंगडम पादप प्लांटी है, उप जगत सब किंगडम है फैनरोगेमिया, और उसका डिवीज़न है एंजियोस्पर्मी, और उसका क्लास है द्विबीजपत्री डाइकल्पिडन, और सीरीज है अधोवर्ती इन्फ्लोरेंस इन्फ्लेरी, और आर्डर है उसका स्ट्रेल्स, और उसकी जो फैमिली है वो कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। इस प्रकार से इसका जो वर्गीकृत होता है कंपोजिटी का। उसके बाद भौगोलिक वितरण है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भौगोलिक वितरण है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, यह पुष्पी पादपों का सबसे बड़ा कुल है। इसमें लगभग 900 वंश और 13,000 से अधिक जातियाँ पाई जाती हैं, 900 वंश और 13,000 से अधिक जातियाँ। तो अन्य कुलों में जो मिलने वाले पौधों की कुल सदस्य संख्या का ये 10वां भाग इसी कुल में मिलता है। भारत में लगभग 677 जातियाँ हैं, और इस कुल के पौधे विकास की चरम सीमा पर है। अधिकांश जो पौधे हैं वो शाखी होते हैं, और वार्षिक द्विवार्षिक तथा वर्षानुवर्षी सभी प्रकार के पौधे इसमें मिलते हैं। कुछ पौधे छुप यानी श्रब रूप में मिलते हैं, और कुछ वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। फिर इसके बाद देखते हैं इसकी हैबिट क्या है, प्रकृति क्या है। तो इस कुल के पौधों की प्रकृति एक एवं स्वभाव में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इनमें स्थलज दलदली फुल्लरी तथा अधिपादपी पौधे पाए जाते हैं, इसमें इस प्रकार के पौधे मिलते हैं। अब इसका जड़ कैसे होता है, रूट, तो इसका जो रूट है मुख्य रूप से मूसला जड़, डहेलिया में कंदली मूलों का जो है वो गुच्छा पाई जाती है। इसके बाद इसका जो पत्ती है लीफ है वो किस प्रकार का होता है, अनुपरणी होता है, एकांतरित होता है, ट्राइडेक्स में अभिमुखी जैसे नीचे ऊपर एकांतरित, सरल आकार प्रकार, कटाव में विविधता, ये परिलक्षित शिराभिन्यास होती है। एक सिरी जालिकाबद्ध भी होता है। उसके बाद इसका जो पुष्पक्रम है इनफ्लोरेंसेस, इसमें क्या है, इस कुल का लाक्षणिक जो पुष्पक्रम है मुंडक होता है, जो असीमाक्षी स्पाइक या व्युत्पन्न के रूप में। इसके आधार पर जो सहपत्रों का परिचक्र है वो पाया जाता है, और पुष्प क्रम में पुष्पों की जो संख्या 1,000 से लेकर जैसे सूरजमुखी एक एक ही नाप से तक हो सकती है। पुष्पक्रम वास्तव में छोटे छोटे पुष्पकों द्वारा बनाया जाता है। पुष्पक्रम एक फूल समान दिखता है, जैसे गेंदे का भी फूल देखेंगे है ना। तो इस कुल में पुष्पकों के प्रकार और विन्यास के आधार पर 3 प्रकार के पुष्पक्रम हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के जो पुष्पक्रम हैं इनका इन्फ्लोरेंसेस, उसमें समपुष्पी जीवाकार यानी जो समपुष्पी जीवाकार है होमोगेमस ट्यूबुलर, तो ये होता क्या है, इस पुष्पक्रम में उपस्थित जो पुष्पक है द्विलिंगी नियमित त्रिज्य सम्मिति और नलिकाकार होते हैं, जैसे एजिटेरम में। इसी प्रकार इसका दूसरा है वो है, सॉरी, समपुष्पी जो जीवाकार होता है उसको ध्यान से सुनेंगे, सम होमोजेगस लैटिट्यूड में ये होता है, इस मुंडक पुष्पक्रम सभी पुष्पक एक समान एक लिंगी प्रायः मादा या बंध्य होते हैं, ठीक है। इसमें जो मैं पहले बता दिया था समपुष्पी का, ये होता है समपुष्पी जीवाकार का, और पुष्पक अनियमित एक विन्यास सम्मित और जिह्वाकार होते हैं। इस प्रकार पुष्पक्रम लैक्टुका एवं गेंदा जो सोंकस इसमें मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं जो समपुष्पी नलिकाकार है, जो इससे पहले बता दी जिह्वाकार से पहले बताया था, वो इस पुष्पक्रम में उपस्थित जो पुष्पक है वो द्विलिंगी नियमित त्रिज्य सम्मित और नलिकाकार होते हैं, जैसे एजिटेरम में, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा आता है उसका विषम पुष्पी जो होता है दो हेटरोगेमस का, जब पुष्पक्रम में दो प्रकार के पुष्पक मिलते हैं तो उसे विषम पुष्पी कहते हैं। इस पुष्पक्रमों में परिधि की ओर सामान्यतः एक लिंगी या बंध्य रश्मि पुष्पक रे फ्लोरेंट जो जिह्वाकार होते हैं, वह केंद्र में उभयलिंगी नियमित बिंब पुष्पक मिलते हैं, जैसे एक्लिप्टा एवं सूर्यमुखी में, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो फ्लावर है पुष्प है वो क्या है, तो ये इसका जो फ्लावर है पुष्प है वो सहपत्री अथवा असहपत्री अनवृत्ति एक विन्यास सम्मित या त्रिज्य सम्मित सदा जाय अंगोपरि प्राय पंचतपी
और उभयलिंगी, एकलिंगी, स्त्री केसरी, पुंग केसरी या बंध्य, इस प्रकार के इसका पुष्प होते हैं। तो इसमें पुष्प इस प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका दलपुंज है, कैलिक्स है। इसका जो बाह्य दल है वो बाह्य दलपुंज कैलिक्स है। जो पहले देखते हैं बाह्य दलपुंज कैलिक्स में अंडाशय के शीर्ष भाग पर एवं दलपुंज नलिका के चारों ओर कुछ सूल सू रोम या सिटी सदृश रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें सम्मिलित रूप से बाह्य दल रोम या रोम गुच्छ कहा जाता है। इन्हें वैसे सेल का या सिटी कहना उपयुक्त है, जैसे रोम गुच्छ एक सामान्य रचना मानी जाती है। इसके बाद देखते हैं इसका दलपुंज जो कोरोला होता है। ये फाइव संयुक्त दली नलिकाकार, कीपाकार, द्वयोष्ठी या जिह्वाकार आकार के होते हैं। नलिकाकार में दलों की जो संख्या है दलपुंज नली के अग्रभाग पर स्थित दांतों की संख्या से प्रदर्शित है। जैसे जिह्वाकार में 5 दल स्पष्ट नहीं देते, क्योंकि कुछ दलों का जो पूर्ण समंजन है, कोहेंशन है, वो हो जाता है। इसके जो फलस्वरूप दिखाई पड़ने वाले जो दांतों की संख्या कम हो जाती है। नियमी या अनियमित दल विन्यास को स्पर्शी इस प्रकार के इसके जो कोरोला है वो पाया जाता है। इसके बाद इसका जो पुमंग है एंड्रोसियम, वो 5 युक्त कोशी दल लग्न और पराग कोष, द्विकोष्ठी, आधार लग्न, अंतर्मुखी इस प्रकार का होता है। इसके बाद जिनोसियम जो जयांग है वो होता क्या है, ये जयांग इसका द्विअंडपी युक्तांडपी अंडा से जो अधोवर्ती एक कोष्ठी जिसमें केवल एक आधारी प्रतीप और एक अध्यावरणी बीजांड पाया जाता है। जो बीजांड न्यास है आधारी वर्तिका, एक सरल वर्तिकाग्र जो अंडाशय के ऊपर एक मकर धर जो बीम है वो पाई जाती है। इसके बाद जो इसका फल है फ्रूट है वो स्कूल में जो प्लेसला फल पाया जाता है, जो कि इसका जो विभेदी लक्षण भी है, जो बीज है वो भ्रूण पुष्प विहीन होता है। तो इसके जो भ्रूण पुष्प विहीन, इसके बाद हम देखते हैं जो भ्रूण पुष्प विहीन नॉन एंडोस्पर्मिक, तो ये इसका पहले देखते हैं परागण में पोलिनेशन में स्कूल में जो कीट परागण होता है छोटे छोटे पुष्पक समूह में स्थित रहकर जैविक रूप से यानी बायोलॉजिकली एक पुष्प सदृश कार्य करते हैं। बहुत सारे पुष्पक द्वारा मकरंद जो एक ही बार में कीट को मिल जाता है उसके लिए प्रलोभन का मुख्य कारण होता है। पुष्प जो है वो पूर्व पुंकता जो होते हैं, इसलिए कीट जब पुष्प क्रम पर रेंगता है तो उसके उदर भाग पर परागकण लग जाते हैं और जो पर परागण सहज हो जाता है। कभी कभी जो पर परागण न होने पर स्वयं परागण संभव है। इस तरह बीज निर्माण कि जो हर समय प्रबलता है वो संभावनाएं बनी रहती है, यह संभावनाएं रहती है। इसके बाद जो इसका जो पुष्प सूत्र है वो फ्लोरेंट फार्मूला, वो जैसे इसमें रश्मि पुष्प रे फ्लोरेंट है वो है बी आर सेंट्रिक। तो इसको देखते हैं ये होता क्या, इसमें क्या है। जो रश्मि पुष्प रेज है वो रश्मि जो पुष्प जो पाई जाती है एक सममित जो पाई जाती है वो, और ये एक व्यास सममित होता है और जो एक व्यास जो सममित है वो मादा, फिर मादा मादा फीमेल्स फ्लोरेंस होता है और जो फीमेल फ्लोरेंस के बाद एक एक व्यास सममित फिर वो न्यूटर होता है और बाह्य दलपुंज जो कैलिक्स है वो पपाउस होता है। उसके बाद टू दलपुंज है टू अपॉन टू और इसका जो उमंग है वो 0 है। उसके बाद इसमें अधोवर्ती अंडाशय 2 है। उसके बाद इसमें बिंब पुष्पक जो है वो डिस्क फ्लोरेंट प्रकार का जो पाया जाता है वो BR। तो ये BR के बाद इसमें आता है त्रिज्य सममित में जो होता है वो उभयलिंगी या द्विलिंगी भी हो सकता है, हेट्रो प्रोडिट। और फिर जो बाह्य दलपुंज है वो क्लैक्स है पपाउस में और उसमें दलपुंज जो कोरोला है वो 5 है और उमंग 5 है
उसके बाद जो अधोवर्ती अंडाशय के जो आया जाता है वो प्रदर्शित होता है टूम में। तो इस प्रकार से इसमें फिर इसमें कुछ विभेदी लक्षण जो पाए जाते हैं वो है, विभेदी लक्षण में साकी एकांतरिक, कर्णमंडक, पुष्पक्रम, पुष्प एक, उभयलिंगी, हेलिक्स वैम्पस में समानित, दलपुंज और नलिकाकार एवं जीवाकार पुंकेसर, फाइव दल लग्न एवं युक्त कोशी, द्विअंडपी, संयुक्त अंडपी, एक कोष्ठी, आधारी, बीजान्यास, सिप्लेसा फल होता है। तो इस प्रकार से इसका जो विभेदी लक्षण है वो पाए जाते हैं जो पुष्प सूत्र के अनुसार जो होता है। ठीक है, इसके बाद जो कुल का आर्थिक महत्व है वो कुल का आर्थिक महत्व में भी देख लेते हैं। इसका कुल का जो आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिलीज, तो शोभाकार पौधे भी हैं, जिनिया एलिगेंस हैं, क्रैथेंसेंस इंडिकम हैं, कैंडुला ऑफिसिनेलिस है, टेजेटस पेटुला है, कॉसमॉस बाइपिनेटस है, डहेलिया एक्सेला है, हेलियंथस एनस है, औषधि जो पादप है, और आर्टिमिसिया साइना है, उसके बाद स्फिरेंथस इंडिकस है, आर्निका मोन्टाना है, के बाद है ब्लूमिया लेसेरा है, यूपोटोरियम परफोर्टम है। इसके बाद इसमें जो तरह है वो खाद्य एवं तेल, फूड एंड ऑयल्स जो पाए जाते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलिल कुल कुकरबिटेसी, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है।